जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी। और जैसे कि आपको पता है गाइस कि फर्स्ट राउंड पीएनएसटी के कंप्लीट हो चुके हैं, 2 मंथ हो चुके हैं, 30 से 60 डेज हो चुके हैं। तो अभी जो रिमेनिंग सीटें बची हुई है, हर जो है सेंटर में आपका जो 10 सेंटर इन्होंने प्रोवाइड किया था उसमें हर सेंटर में आपकी 12 से 15 सीट बची हुई है। तो ऑलमोस्ट आपसे 100 से लेकर 150 सीट अभी भी बची हुई है। और इन्होंने रूल बुक में साफ कह दिया था कि अगर आपकी सीटी बची हुई रहती है तो हम लोग सेकेंड काउंसलिंग करवाएंगे। अब मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था कि सेकेंड काउंसलिंग का आप लोग वेट ना करें। अब गाइस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम एक बार जो है अंतिम प्रयास तो कर सकते, शासन से अपनी जो है डिमांड लगा सकते हैं एमपी गवर्नमेंट को कि पीएनएसटी की सेकेंड काउंसलिंग एटलीस्ट बची हुई सीटों या तो हमें ये कर दीजिए कि 2022 में हम लोग इसे इंक्लूड करके सीटें प्रोवाइड करेंगे, या तो ये बता दीजिए हमें कि आगे होगी या नहीं होगी, तो हम क्यों उस काउंसलिंग का वेट करेंगे गाइस जो आपकी बची हुई है। तो इसीलिए ये ट्विटर कैंपेन चलाया है आपको। आपको किस डेट में चलाना है, तो 17 दिसंबर शनिवार के दिन ही दिन के 11 बजे से हम लोग जो है ट्विटर करना स्टार्ट करेंगे, हैशटैग लगाएंगे पीएनएसटी सेकेंड राउंड काउंसलिंग को लेकर। हम लोग जो है एमपी ऑनलाइन को देंगे और आप लोग कहाँ कहाँ लगाएंगे, मेडिकल एजुकेशन वाले जो है जो भी विद्यार्थी है यहाँ पर जो भी वेट कर रहे हैं पीएनएसटी सेकेंड राउंड का, उसके लिए हम लोग जो है यह क्या करेंगे कैंपेन चलाने वाले हैं। अब इसमें देखिए, इससे जो है आपका जैसे ही फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग इन्होंने स्टार्ट करवाया था, ठीक है ना, जो फर्स्ट राउंड आपका जो इन्होंने कंप्लीट करवाया था वह ट्विटर के माध्यम से ही करवाया था, तभी तो आपकी आवाज़ पहुंची थी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एकजुट हो। देखिए मैं यहां पर फ्रंट पेज पर पहले ही ऑन हूं, यहां पर अभी तक देखिए न्यू वाली अपडेट, इतना दिन हो चुका है गाइस, दो मैं डेट भी बता देता हूं, यहां पर डेट भी लिखी हुई है, मेंशन 9, देखिए 9 लिखा हुआ है, 9 से 10 हो गया, 10 से 11 और आज जो है 12 भी हो चुका है, 2 मंथ कंप्लीट आ चुका है, अभी भी सीटें बची हुई रेमेनिंग, इस पर कोई भी जो है अपडेट शासन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार सपोर्ट जरूर करिए, एक बार सपोर्ट करें ताकि आप लोग जो है डायरेक्ट हेड ऑफ हेल्थ सर्विस तक हमारी आवाज़ पहुंच पाए। तो ये बच्चे ही कर सकते, ठीक है, हम लोग क्या करते गाइस, हम आपको आपका सपोर्ट ही हमको जो है उन तक आवाज़ हमारी पहुँचाता है। तो आप लोग शेयर करिएगा अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक, क्यों ये 2-4 दिन पहले वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप लोग इसे शेयर करें, एटलीस्ट कम से कम 10-15 हज़ार स्टूडेंट तक यह जो है आप लोग को शेयर करना है ताकि वह जो है कैंपेन में भाग ले सके। जैसे कि आपका रेलवे हो गया, ये सब कुछ अभी स्टार्ट हो रहा है ना, ये ट्विटर कैंपेन के डिजिटल, देखिए ऑफलाइन अगर आप लोग जाते हैं तो क्या होगा, दंगे फसाद ये होता है तो इसके लिए मज़ा नहीं आता फिर, और बच्चे चोटिल भी हो जाते हैं, इसीलिए आपको एक बार डिजिटल कैंपेन चलाना है। और आपको बता दूं गाइस, आपकी स्टडी को ड्रॉप नहीं करना है, मैं पहले ये वीडियो बनाने से पहले ही मैं बता देना चाहता था कि स्टडी को ड्रॉप नहीं करना है, अगर होती है बाई चांस तो ठीक है, और नहीं होती है तो 2022 के लिए हमें प्रिपरेशन करना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो इसलिए आप, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी स्टडी को ड्रॉप ना करें, बस वीडियो देखिए, आपको 17 तारीख को शनिवार के दिन आना है और एक ट्वीट करना है, या तो आप लोग बार बार ट्वीट करना है, उसे रीट्वीट करना है, कैसे करना है मैं आपको मॉर्निंग में शनिवार के दिन बता दूंगा कि कैसे हम लोग ट्वीट करते हैं, जिसका बेनिफिट हमें जल्द ही प्रोवाइड होगा, ठीक है। जैसे कि इन्होंने अभी जो है आपका मैटर चल रहा है आपके नीट के ऊपर, तो वो भी उसकी भी जो है जनवरी में होने वाली, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी भी दिसंबर के लास्ट तक या तो जनवरी तक या तो कुछ अपडेट दे कि हम लोग करवाए या नहीं करवाए, या तो हम लोग जो बच्चे जिनका अच्छे मार्क्स है वह जो है इंतजार ही करते रहे क्या, ये तो स्पष्ट हो जाए तो मज़ा आएगा फिर, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है शेयर करिए अधिक से अधिक इस वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कब, 17 तारीख को, तो 11 बजे 17 तारीख को पुनः मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग को क्या करना है, अगर जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आए गाइस, अगर आप समाधान स्टडी का सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर साथ देना चाहते हैं बची वाली रिमेनिंग सीटें पिक करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और उसके साइड में जस्ट एक बेल आइकॉन होगा तो उस बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस करना ताकि सारे जैसे ही हमारे पूरे अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे, सब अपडेट हमारी जो है आप तक पहुंच पाए। चलिए जय हिंद, नमस्ते, मिलते हम लोग नेक्स्ट टाइम।